This special course will help you to master in data interpretation, a most weighted topic in your IBPS Clerk mains exam. All the new pattern mains level DI including arithmetic data interpretation will help you to maximize your marks in your Clerk mains exam. To access this course, join Oliveboard Age. Good morning to all of you and welcome to Oliveboard. कैसे हैं भाई आप लोग, क्या हाल चाल है? So guys, one weekend is over. I think कल मैच enjoy किया होगा, but India lost the match by 8 wickets. So West Indies won it. So there is a tie in between India and West Indies by 1-1. The resultant match will be on the Wednesday in Wankhede Stadium, Mumbai. तो देखते हैं भाई क्या रिजल्ट होगा. आई होप इंडिया विल डू वेल एंड दे विल विन द सीरीज ऑफ T20 एंड आफ्टर दैट वन डे ऑल्सो. चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राजन, जय रोल, मिस्टर घर, कप से, संकेत, नांदिनी, परफेक्टली, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो गाइज, आई होप प्रिपरेशन इज गोइंग वेल फॉर द IBPS क्लर्क मीन्स प्री. आप लोगों ने लिखा, अच्छे से लिखा है एंड मूव करना है किसके लिए, मेंस के लिए. LIC असिस्टेंट मेंस का भी एग्जाम है. दिस वीक ऑल्सो आई हैव डिजाइंड फ्यू क्लासेस विच विल बी कम्प्लीटली बेस्ड फॉर LIC असिस्टेंट मेंस. तो उसका शेड्यूल आपके साथ क्लास के लास्ट में शेयर करूंगा और देख लीजिएगा व्हेन वी विल हैव क्लास एट विच टाइम. सो बी देयर ऑन टाइम टू अटेंड द क्लास सो इट कैन हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रेमिका जी, मोनश्री, श्रेया, गुड मॉर्निंग. चलिए पहले न्यूज़ की तरफ चल रहा हूँ गाइस मैं. तो फर्स्ट न्यूज़ इज वी नो अबाउट साउथ एशियन गेम्स, देर स्टार्टेड इन नेपाल. नेपाल में साउथ एशियन गेम्स हुए. इंडिया वॉज ऑन द टॉप इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द मेडल रैंकिंग. इंडिया हैव वॉन 214 मेडल्स. यू नीड टू रिमेंबर हाउ मेनी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज ऑल्सो. 110 gold, 69 silver and 35 bronze. I think it is visible to everyone, right? सारे लोगों को visible है. So 110 gold, 69 silver and 35 bronze India have won with total 214 medals and maintaining the top position in the list. तो सबसे ऊपर position पर India है. याद रखना पड़ेगा, exam में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बेस्ड ऑन द सेम थिंग, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कि MCQ देख लेते हैं, विच आई होप इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन. हो सकता है आ जाए आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ब्लैक बक. चलिए क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 13th एशियन साउथ एशियन गेम्स. 13th साउथ एशियन गेम्स का मैस्कॉट क्या है? ब्लैक बक. बहुत बढ़िया, इट मींस एवरीवन नोज द आंसर. द करेक्ट आंसर इज ब्लैक बक. बिल्कुल करेक्ट है, ब्लैक बक इज द करेक्ट आंसर. इफ यू रिमेंबर गाइज, आई टोल्ड यू वन ट्रिक ऑल्सो, MBBS पिन, दैट इज मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. दीज आर द पार्टिसिपेटिंग नेशंस. ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं. ब्लैक बक इज द मैस्कॉट ऑफ 13th एशियन गेम्स. कहां पर हो रहे हैं? काठमांडू, नेपाल में. चलिए सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं. सेकंड न्यूज, यस बिल्कुल करेक्ट है, एक्सक्लूडेड अफगानिस्तान. जो हमारे SAC मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, देयर द अफगानिस्तान इज ऑल्सो इंक्लूडेड. बट हम अफगानिस्तान को निकाल दें तो बाकी के बचते हैं हमारे साउथ एशियन गेम्स वाले मेंबर्स, ठीक है. के विजय कुमार, पिक देखिएगा, यहाँ पर मैंने लगा रखा है मिस्टर विजय कुमार का पिक. के विजय कुमार, ही वॉज द फॉर्मर एडवाइजर ऑफ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे. अपॉइंटेड एज द सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री. यूनियन होम मिनिस्ट्री में सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया है बाय मिस्टर अमित शाह. सो वी हैव an appointment which is important. They can ask you in the upcoming exam that the senior security advisor in the Union Home Ministry appointed recently, the name of that person. So answer will be K. Vijay Kumar. कहाँ पर थे ये भी? He was acting as a senior security advisor
फॉर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। चलते हैं सर आगे अगले न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु से हैं सर, और वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आरबीआई टाइटन द नॉर्म्स फॉर एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स बाय एआरसी फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड लेंडर्स, फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड लेंडर्स। न्यूज को सुनिएगा पहले, फिर आगे चल के समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइटन द नॉर्म्स ऑफ एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बाय बेयरिंग देम बायलेटरली बाय एसेट्स फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर स्पॉन्सर्ड हैज सब्सक्राइब द फंड रेज्ड बाय द एआरसी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कहां से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआरसी। पहले तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआरसी। फुल फॉर्म इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बैंक बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ बीओबी हैव गिवन द लोन्स इन द मार्केट, बीओबी ने मार्केट में दिए हुए लोन्स ऑफ 20,000 करोड़। फॉर एग्जाम्पल 20,000 करोड़ का लोन मार्केट में बीओबी ने दिया हुआ है। आउट ऑफ 20,000 करोड़ 5,000 करोड़ लोन बिकेम एनपीए। ये लोन क्या हो गया भाई, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। नाउ व्हाट बीओबी कैन डू, बीओबी ट्राइड टू रिकवर इट बट बीओबी वाज नॉट एबल टू रिकवर इट। व्हाट बीओबी कैन डू, बीओबी कैन सेल दिस लोन टू एनी कंपनी। एक कंपनी को सेल कर सकता है बीओबी दिस लोन, दैट कंपनी विल कॉल एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। द कंपनीज विच आर परचेसिंग द बैड लोन्स एनपीए लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट कंपनीज आर कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। दे आर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। ये भी एनबीएफसीज में ही आती हैं, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ही इनके रूल्स रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है। सो गाइज टेल मी टेल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। एआरसीज क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है, वो क्लियर हुआ। तो नो प्रॉब्लम, जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर, यू कैन वॉच द सेशन लेटर ऑल्सो इफ एनी वन इज ज्वाइनिंग अस राइट नाउ। कंटिन्यू करिएगा यहीं से गाइज। एआरसी क्लियर हुआ, अब लॉ क्या बनाया है उसके लिए आप एग्जाम्पल समझिए। लॉ इज दैट देर इज अ कंपनी फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, द प्राइम स्पॉन्सर ऑफ दिस कंपनी इज कोटक महिंद्रा। समझिएगा ध्यान से, देर इज अ एआरसी, एआरसी नेम इज फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, इट इज एन एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। This company is sponsored by, you can say that the major stockholder in this company is which organization? Kotak Mahindra. Now Kotak Mahindra hai bank also. So if Kotak Mahindra bank have non-performing assets or bad loans, that bad loans cannot be mutually or directly purchased by this company. Directly purchase nahi kar sakte. Bank have to go for auction. Company need to go for bidding, and by the open bidding company can buy that assets, not mutually ki bhai directly purchase kar liya, itna amount hai aur itne amount mein purchase kar lo. Point clear hua mera? Why it happens in the past ki bhai Kotak Mahindra ka loan hua bad loan, inka loan hua NPA. Now they want to reduce their NPA, so what they were doing, just example, so what bank were doing, bank was selling their loan mutually internally to the asset reconstruction company which was belonging to their own group, which was their own subsidiary. To apni hi subsidiary ko kya kar diya bhai, NPA bhej diya. Bank ka jo NPA tha balance sheet par wo ho gaya kam, aur jo loan amount tha wo bhi kisi aur ke paas nahi gaya, wo bhi group ke andar hai. Clear hua sir ye? नहीं, ये हर केस में होगा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वापस चलें, सो ऑल द एआरसीज
सारी की सारी ARCs विच आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर बैंक, ओनली फॉर दैट बैंक, सिर्फ उस बैंक से जो लोन है वो क्या कर पाएंगे, म्यूचुअली नहीं परचेस कर पाएंगे. एक ARCs विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शंस. ऑक्शंस के थ्रू आप परचेस कर सकते हो, म्यूचुअली परचेस नहीं कर सकते. दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय RBI. इज दैट क्लियर गाइज टू एवरीवन? क्लियर हुआ? राजन जी, आरबीआई वॉन्ट टू क्लियर योर एनपीए, बट इफ यू विल जस्ट वॉन्ट टू शो दैट माई एनपीए इज लेस एंड स्टिल यू हैव एनपीए. एक एग्जाम्पल समझो, मैंने मार्केट में लोन दिया हुआ है 100 रुपीज का, 100 रुपीज में से 80 रुपी हो गया है एनपीए. अब मैं शो करना चाहता हूं कि मेरा एनपीए कम है, तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन 60 रुपीज फ्रॉम माई ब्रदर. मैंने अपने भाई से 60 रुपीज ले लिए कि यार 60 रुपीज मेरे को दे दो एंड टेक दिस 80 रुपीज, टेक द पेपर ऑफ दिस 80 रुपीज, कीप इट विथ यू एंड यू कैन रिकवर इट फ्रॉम मार्केट. तुम क्या करो, ये 80 रुपीज मार्केट से रिकवर कर लेना, मेरे को 60 रुपीज दे दो. नाउ आई एम शोइंग टू माई फादर दैट आई डोंट हैव एनपीए ऑफ 80 रुपीज, आई हैव एनपीए ऑफ जस्ट 60 रुपीज. मेरे पास एनपीए सिर्फ कितने का है, 60 रुपीज का है, सॉरी 20 रुपीज का है, क्योंकि 60 तो रिकवर हो गए. तो मेरे पास जो एनपीए वो तो सिर्फ 20 रुपीज का है और बाकी तो मार्केट में मैंने बेच दिया भाई, अब मेरे पास नहीं, बट स्टिल इट इज इन माई होम. अभी भी एनपीए बाहर नहीं गया, घर के अंदर ही है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है. तो बैंक्स वर यूजिंग दीज ट्रिक्स, बैंक्स ये ट्रिक्स को यूज करते थे टू कीप द एनपीए ऑल्सो एंड टू शो इट लेस ऑल्सो, कि वो कम भी शो करे, बैलेंस शीट पर कम हो जाए और कहीं बाहर भी ना जाए, वो रिकवर हम ही कर लें फ्यूचर में इफ पॉसिबल. क्लियर हुआ सारे लोगों को सर? चलो आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको. कोई डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. अगर कोई डाउट होगा, आज अगर लग रहा होगा, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी ध्यान से पूछ लीजिएगा पढ़ने के बाद एक बार, ठीक है? सो दिस वॉज द एग्जाम्पल, आई सेड इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल. नाउ गाइज, वी हैव द लिस्ट ऑफ बेस्ट 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया, इश्यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अमित शाह जी की मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स, इन्होंने इश्यू किया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया. अबरदीन पुलिस स्टेशन सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार, यू कैन से दैट अंडमान. तो अबरदीन पुलिस स्टेशन दैट इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डिस्ट्रिक्ट अंडमान इज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया. आफ्टर दैट सेकेंड पोजिशन माही सागर डिस्ट्रिक्ट, बालासिनोर पुलिस स्टेशन, दिस इज ऑन द सेकेंड पोजिशन. एंड मध्य प्रदेश थर्ड पोजिशन, दैट इज अजिक बुरहानपुर, दिस इज ऑन द थर्ड पोजिशन. आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर फर्स्ट फाइव याद कर लीजिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ. क्लियर है सर? पहले 5 याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इट इज अ न्यू लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट ऑफ 2019, सो वी नीड टू मूव दिस वन. अगस्त मंथ में एक लिस्ट आया था गाइज, डोंट फॉलो दैट वन नाउ, उसको छोड़ देना. अगस्त में जो लिस्ट आई थी, यू नीड टू लीव दैट वन, उसको छोड़ देना एंड जस्ट रिमेंबर दिस वन, द अपडेटेड वन. चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. 15th Finance Commission submits its first report for the year, financial year 2020-21. So the report will be in effect from 1st of April 2020 to 31st March 2021. This will be the year. Finance Commission is defined in Article 280 of Indian Constitution. This is important. Finance Commission कहाँ पर define है? Article 280 में define है Indian Constitution के.
दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू इन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये रिकमेंड करते हैं कि कितना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, कितना शेयर स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, विच टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विच टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल सच रिकमेंडेशंस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. क्लियर हुआ फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? सो बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की. मिस्टर एन के सिंह नंद किशोर सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. मेंबर्स कौन है? अजय नारायण झा, अशोक लेहरी, रमेश चंद, अनूप सिंह एंड सेक्रेटरी श्री अरविंद मेहता. दे आर द मेंबर्स. मेंबर्स के नाम भी याद रखिएगा अभी के लिए. आप लोग एक बार रिपीट कर देता हूं. आर्टिकल 280 डिफाइंस फाइनेंस कमीशन इन इंडिया. हिंदी में कहा जाता है वित्त आयोग. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्सेस का डिवीजन होता है उसको करने का काम या उसके रिकमेंडेशंस देने का काम जो करता है वो है फाइनेंस कमीशन. रिपोर्ट सबमिट किसको करते हैं? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिएगा, टू हुम दे सबमिट द रिपोर्ट? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं. द नेक्स्ट रिपोर्ट दे नीड टू सबमिट, दे शुड सबमिट फॉर द नेक्स्ट ईयर 2020-21 के बाद 2021-22 के लिए उनको सबमिट करना है नेक्स्ट वाला रिपोर्ट फॉर 21-22 के लिए. एंड इट शुड बी सबमिटेड बाय अक्टूबर 2020 नेक्स्ट ईयर में उनको फॉर द अपकमिंग ईयर के लिए अपना रिपोर्ट सबमिट करना है. सो फॉर नेक्स्ट 5 years दे आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट. अगले 5 साल तक वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे. ठीक है सर, आगे बढ़े. नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. कैन यू टेल मी, एनीवन टेल मी व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनईएफटी? क्या मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होता है टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनईएफटी? द न्यूज इज दैट फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर एनईएफटी विल बी अवेलेबल 24/7. करेंटली इट इज अवेलेबल 8 AM टू 7 PM विथ 23 settlements. अभी करेंट में 23 settlements होते हैं इन अ डे. सो दीज नंबर ऑफ settlements विल बी गॉन. द टाइमिंग बैरियर विल बी गॉन. सो ये सब हटा दिया जाएगा. इट ऑल विल बी एलिमिनेटेड एंड नेफ्ट विल बी अवेलेबल 24/7 लाइक IMPS, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, उसी की तरह अवेलेबल होगा. 0 to 2 lakh मैक्सिमम इज 2 lakh. नेपाल के लिए 50,000 है. ठीक है, चलो गाइस एक चीज याद रखिएगा, मिनिमम लिमिट इज 0, मैक्सिमम लिमिट इज नॉट डिफाइंड, बट मैक्सिमम लिमिट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, बट योर बैंक, इंडिविजुअल बैंक कैन डिसाइड दिस लिमिट. फ्यू बैंक्स हैव द लिमिट ऑफ 2 lakh रुपी, फ्यू बैंक्स हैव द लिमिट ऑफ 10 lakh रुपी ऑल्सो. सो योर बैंक कैन डिसाइड दिस लिमिट. ओके, इंडिविजुअली दे कैन डिसाइड द लिमिट. When you will check your bank website, you will get the limit decided by your bank. But for the examination, जब exam में आएगा तो आपको answer लगाना है no minimum limit, no maximum limit. Clear है? No minimum limit, no maximum limit. Above 2 lakh RTGS correct है. RTGS बिल्कुल correct है. RTGS का minimum limit होगा 2 lakh. There is no doubt that what is the limit of RTGS. So guys, RTGS ka minimum limit hoga 2 lakh, maximum wahi not defined. This is common for all the bank. Clear hai? So 24/7 available hoga, which will definitely promote and increase the number of financial transactions online digitally in India. Aage badhte hain sir. Abhi ke liye kya yaad rakhna hai? Date 16th of दिसंबर से अवेलेबल होगा. 16th ऑफ दिसंबर से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रूव्ड 156 करोड़ डेवलपमेंट प्लान फॉर ओमकारेश्वर. गाइस देयर आर 12 ज्योतिर्लिंगा इन इंडिया. इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंगा है. आउट ऑफ 12
टू आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, एमपी में है दो ज्योतिर्लिंग, सो दैट इज ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर. सो रिसेंटली 156 करोड़ रुपी इश्यूज बाय द एमपी गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओमकारेश्वर एंड प्रीवियसली 300 करोड़ रुपी वॉज इश्यूज बाय द एमपी गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाकालेश्वर प्रोजेक्ट. अभी के लिए आपसे पूछा जा सकता है ओमकारेश्वर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस बिकॉज वी आर गेटिंग द क्वेश्चन ऑन द टेम्पल्स ऑल्सो. आपको पता होगा हमसे पूछा जाता है टेम्पल्स रिलेटेड क्वेश्चन की टेम्पल्स विच टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस. एंड ऑलवेज आई हैड ऑब्जर्व्ड whenever any important temple came in the news, they are asking the same in the examination also. वही का वही वो उठाकर exam में आपसे पूछ लेते हैं. तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, महाकालेश्वर situated in उज्जैन, ओमकारेश्वर is also in मध्य प्रदेश near to इंदौर district और इंदौर city. इंदौर city के पास में ही situated है ओमकारेश्वर. चलिए आगे बढ़े, अगला news. राजेश, दैट बिलोंग्स टू मायथोलॉजी, ज्योतिर्लिंगा देर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड ज्योतिर्लिंगा, तो पूरा मायथोलॉजी है वो, उसमें करंट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है. सो जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट लॉट्स ऑफ द स्टोरीज रिलेटेड टू द ज्योतिर्लिंगा, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. पेमेंट बैंक्स मे कन्वर्ट्स इन स्मॉल फाइनेंस बैंक After how many years, it can be the question in your examination. कितने कितने साल बाद वो convert हो सकते हैं? So guys, remember it. May convert into a small finance bank after 5 years. A question raises, why they want to convert into a small finance bank? What is the difference between payment bank and a small finance bank? So guys, a small finance bank have all the facilities which are provided to a normal commercial banks at a small level. They can provide you loan, they can accept the deposits, all types of deposits. While when we comes to the payment bank cannot accept term deposit accepts nahi kar sakte. They cannot provide loans, any type of lending facility, either loan, credit card, overdraft, any facility which comes under the lending part, payment banks are not allowed to provide. Third restriction. Payment bank can accept maximum 1 lakh rupee from one customer at a time, not more than that. So there are lots of restrictions with the payment banks. Now RBI says that payment bank may convert into a small finance bank after how many years? 5 years. 5 years ke baad convert kiya ja sakta hai small finance bank mein. Guys, one important part is that small finance bank ka jo capital requirement hai wo increase kiya tha RBI ne recently 100 crore to 200 crore. Now the capital of small finance bank is 200 crore, which is very important. Now banks at the promoter should hold minimum 40% of paid up capital for the voting for 5 years. 5 years tak initially maine bataya payment bank can convert after 5 years. So initial 5 years jo promoters ka investment hai wo minimum 50% hona chahiye. Jo jo jinhone bank open kiya unka investment minimum 50% hona chahiye. If initially the promoters are holding above 40%, then they should then the investment should come down, the shareholding should come down. Shareholding ko kam karna chahiye, market mein stocks issue kariye aap aur wahan se shareholding pick kariye. It means jo shareholders hain, when that the date will convert into small finance bank, us din jo promoters the initial promoters the unka shareholding 40% se zyada nahi hona chahiye, 60% baki logon ka investment ho sir. Is that clear? One more important part, a small finance bank once it will complete 3 years of working, 3 years of working complete hone par small finance bank ki unka capital, working capital should come to 500 crore par aana chahiye. To bahut easy term mein aapko bata dun, payment bank may convert into a small finance bank after how many years sir? They can convert after 5 years. 5 years ke baad convert ho sakte hain.
यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़, हियर द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 200 करोड़. द स्मॉल फाइनेंस बैंक व्हेन इट विल कंप्लीट, हाउ मेनी इयर्स व्हेन इट विल कंप्लीट, 3 years of time, when a small finance bank will complete 3 years of time, then the capital should be 500 crore. Then the capital should be 500 crore. Is that clear to everyone? सारे लोगों क्लियर हुआ कहां पर कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है? बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में कि वो आपसे कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहे हैं. इनिशियल 100, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200, 3 years का बिजनेस करने के बाद 500 इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो. आगे बढ़ते हैं. राइट लाइवलीहुड अवार्ड. राइट लाइवलीहुड अवार्ड, पहली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं और हाईलाइट कर दूं, इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. विच अवार्ड इज नोन एज अल्टरनेटिव नोबल प्राइज? विच अवार्ड इज नोन एज अल्टरनेटिव नोबल प्राइज? तो आंसर क्या होगा भाई? राइट लाइवलीहुड अवार्ड. स्पेन में ही दिया जाता है गाइस. प्रेजेंटेड बाय राइट लाइवलीहुड, सॉरी स्वीडन में दिया जाता है, स्पेन गलती से बोल दिया मैंने. राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रोवाइडेड बाय द फाउंडेशन सिचुएटेड इन स्वीडन. स्वीडन में ही दिया जाता है तो याद रखिएगा. स्पेन गलती से बोल दिया था, उसको मत करिएगा, कट करिएगा उसको. रिमेंबर इट इज प्रोवाइडेड इन स्वीडन, स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है. इन विच फील्ड? फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीस. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द अवार्ड्स विच आर प्रोवाइडेड इन द ईयर 2019 में जो अवार्ड दिए गए. फर्स्ट नेम, मे बी यू सॉ द स्पीच ऑफ दिस दिस यंगर गर्ल, इनकी स्पीच शायद आपने देखी होगी, ग्रेटा थनबर्ग. ग्रेटा थनबर्ग, इनकी काफी फेमस स्पीच है, हाउ डेयर यू. तो वो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा. शी इज एक्टिविस्ट वर्किंग ऑन द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर जो है, हाउ डेयर यू, देखा हुआ है शायद काफी सारे लोगों ने. सो जस्ट वॉच इज टूडे, देखिएगा. दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. राजा बाबू जी, राजू भाई, यू आर फॉलोइंग TNA, ठीक है. 100 प्लस 10 प्लस न्यूज बट इन अ मंथ PDF टोटली 60 न्यूज पेजेस ओनली, इज दैट कवर ऑल द न्यूज? राजू भाई, एक्चुअली व्हेन यू विल गेट द मंथली PDF तो वहां पर और शॉर्ट किया जाता है. दे आर थिंकिंग लाइक दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो चलो इसको क्या कर दो, साइड कर दो. वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द स्टूडेंट वेरी क्रिप्स, वेरी वेरी क्रिप्स डेटा, तो इसीलिए उसको और शॉर्ट किया जाता है. बट इफ यू आर फॉलोइंग द TNA रेगुलरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू विल नॉट गोइंग टू मिस एनी न्यूज. कोई भी न्यूज आपका मिस नहीं होगा. बिल्कुल, मैं PDF जो है TNA का मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए नवंबर मंथ का. देखिए, पहला नाम हो गया ग्रेटा थनबर्ग का. सेकेंड नेम इज अमी नताउ हैदर. अमी नताउ हैदर इज ऑल्सो एक्टिविस्ट रिलेटेड टू द वेस्टर्न सहारा. जैसा इंडिया में काफी टाइम तक प्रॉब्लम चल रहा था, सर आप देखते रहेंगे, J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का, चाइना में प्रॉब्लम चल रहा था किस चीज का लेके, हांगकांग का अभी भी है इश्यू वहां पे, हांगकांग का, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर. तो जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर वेस्टर्न सहारा एक रीजन है विच इज डिस्प्यूटेड इन बिटवीन 2-3 नेशंस. वहां पर एक्टिविस्ट काम कर रही थी अमी नताउ हैदर, इनको दिया गया सेकंड अवार्ड. देखिएगा, 4 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर. सो द फर्स्ट नेम इज ग्रेटा थनबर्ग, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नाम याद रख लेने हैं, ग्रेटा थनबर्ग, अमी नताउ हैदर. थर्ड नेम इज गिव जेनमई इज अ वुमेन राइट एक्टिविस्ट लॉयर फ्रॉम चाइना. चाइना की है एंड वुमेन राइट लॉयर है ग्यू जिमनेई. एंड देवी कोपेनावा, दावी कोपेनावा इज द एक्टिविस्ट फ्रॉम ब्राजील. ब्राजील को बिलोंग करते हैं. इनके
एसोसिएशन का नाम है यूतुकारा यनो मामी एसोसिएशन विच इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट द एमेजोन फॉरेस्ट. एमेजोन फॉरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. That who is related to the Amazon forest recently got Right Livelihood Award 2019. तो इनका नाम बहुत ज़्यादा important होगा Amazon forest को protect करने में. ये काफ़ी ज़्यादा help कर रहे हैं बहुत time से. तो guys is that clear to all? हाँ, सारे याद करने हैं बिल्कुल दिनेश जी, चारों के चार नाम याद करने हैं आपको. All four names you guys should learn. तो चारों के चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे. क्लियर है, आगे बढ़े. आरबीआई इम्पोज 25 लाख रुपी फाइन ऑन आंध्रा बैंक पर 25 लाख का फाइन लगाया. फॉर व्हाट? केवाईसी नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करने के लिए. गाइस, अगर केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि जो इलीगल सोर्सेज हैं वहाँ से पैसा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में आना. कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज अ लॉ. उस लॉ को फॉलो करने में अगर बैंक फेल हो जाते हैं तो आरबीआई उनके ऊपर इंपोज करता है फाइन. और उनका गलती, बैंक्स का मिस्टेक सिर्फ ये होता है, दे आर नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द केवाईसी नॉर्म्स. अगर केवाईसी नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो ना करें तो ऑटोमेटिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में. तो याद रखिएगा, अंडर विच एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के एक्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई ने जो है इम्पोज किया है 25 लाख रुपए. अभी के लिए क्वेश्चन यही बनेगा दैट आरबीआई इम्पोज द अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपी फाइन ऑन विच बैंक, इस बैंक के ऊपर लगाया है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? आंध्रा बैंक, हेडक्वार्टर है हैदराबाद. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट अनचेंज्ड. पता होगा रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. रेपो रेट इज 5.15%. इट मींस रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट ऑल रिमेन अनचेंज्ड. किसी में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है. आरबीआई डिडंट सीआरआर एसएलआर आल्सो एट दिस टाइम. तो सीआरआर एसएलआर को भी टच नहीं किया है इस बार. इट वाज द फिफ्थ बाय मंथली मॉनेटरी मीटिंग विद द लास्ट वन वाज हेल्ड इन अक्टूबर मंथ में. लास्ट वाला हुआ था आपका, ये आपका फिफ्थ बाय मंथली मीटिंग था. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई कि आरबीआई ने जो जीडीपी प्रोजेक्शन है करंट फाइनेंशियल ईयर का उसको लेकर आ गए 5% पे. गाइस, दे स्टार्टेड फ्रॉम 7.5% इफ यू रिमेम्बर. इनिशियली 7.5, 7.2, 7.1 पे आए थे एंड नाउ केम डाउन टू 5% कि जीडीपी रेट इंडिया का जो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 5% से ऊपर नहीं होगा. दिस इज द वेरी बिग data you can say that given by the RBI that the GDP is shocking, not big actually, it's shocking. Shocking data given by the RBI and it's correct. Agar RBI ne bol diya 5%, you can assure that it will not move more than 5.1 or 5.2. Isse zyada nahi ho payega. To 5% bola hai. Few days before we have saw CRISIL also says 5.1%. Matlab sare projections dheere dheere move karke 5% ke aaspaas aa jaate hain. It was just the revision. And here we have the updated list again, complete list. Ab fir se dekhen, recent mein Moody ne change kiya tha, 5.6 kar diya hai, 5.8 se 5.6. So earlier they said 5.8. लास्ट टू लास्ट मंथ अब आ गए 5.6 पे. आरबीआई ने डायरेक्टली जंप किया 6.1% से 5% पे. ठीक है, SBI 4.9, सही है भाई, SBI ने 4.9 कहा. सो टेक द स्नैपशॉट, रिमेंबर देम, वन क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली देयर इन द एग्जामिनेशन. वन इंपॉर्टेंट न्यूज वन इंपॉर्टेंट न्यूज 50,000 स्टूडेंट्स हैव टेकन द क्लासेस ऑन ओलिवबोर्ड एज प्लेटफॉर्म इन 2019 में Oliveboard एज प्लेटफॉर्म पे मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस ली. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू टू शो द इंटरेस्ट एंड योर फेथ इन अस. जो आप लोगों ने हमारे ऊपर बिलीव रखा, अपना फेथ रखा है, उसके लिए थैंक्स अलॉट फ्रॉम द कंप्लीट Oliveboard टीम. जो हमारा
मोटो है और टैगलाइन है ऑलिवबोर्ड एच का, दैट इज वन सब्सक्रिप्शन ऑल कोर्सेज, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलता है, एसएससी भी एलआईसी भी, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. दिस इज द एडवांटेज ऑफ एज. सो दिस वॉज द डेटा फॉर 2019 टिल नाउ. अभी आप लोगों को बता दूं, LIC असिस्टेंट मेंस के लिए जो हमारे क्लासेस इस वीक जो फ्री क्लासेस मैं YouTube पर लेकर आ रहा हूं उसका बता देता हूं. टुडे एट 5 o'clock वी हैव 585 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ करेंसी, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी क्या होता है, नियर करेंसी क्या होती है, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, ऑल दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डील टुडे एट 5 o'clock. Tomorrow 10 a.m. we have a very important session, that is principles of insurance and important insurance terminologies. So ye class hoga kal aapka 10 o'clock par. Tomorrow at 12:30 we have another one session, banking and insurance ka MCQs dekhenge. Day after tomorrow the second part, after that the September month current affairs part 1 part 2 is week ye sab cover karwaunga. Then end of the week Friday 3 p.m. the most important show, that is GA Genius. On Friday 3 p.m. we are going to cover the current affairs of the current month. Guys, आप लोगों को clerk exam भी लिखना है. In the upcoming time you have to write the SSC exam. You should write the SSC examinations also. So for that do not miss the current affairs. Last week कम बच्चे आए थे class देखने Friday को, तो I was shocked. I thought like okay they are writing the pre-examination, so that is why they are not watching the show for mains also right now. Don't do like this. Prepare for the mains. Pre will be automatically covered. हमेशा mains की preparation करिए sir. ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो. इफ यू हैव क्लिक्ड द बेल आइकन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द नोटिफिकेशन. सो प्लीज क्लिक द बेल आइकन, डू नॉट मिस द बेल आइकन. इफ यू विल क्लिक द बेल आइकन यू विल गेट द अपडेट्स फ्रॉम यूट्यूब. अदरवाइज रिमेंबर व्हाई आई एम कीपिंग दिस मच टेबल इन फ्रंट ऑफ यू. पूरे वीक का क्लास क्यों बता रहा हूं, सो यू कैन रिमेंबर द टाइमिंग्स एंड नेम ऑफ क्लास डे ऑल्सो एवरी टाइम. क्लियर है? लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसएससी सीजीएल ब्रह्मास्त्र, वी हैव लॉन्च्ड अ बैच एसएससी सीजीएल ब्रह्मास्त्र, जहां पर जनरल स्टडीज मैं पढ़ा रहा हूं आपको. आई विल टीच यू द जनरल स्टडीज पार्ट. जीएस का पार्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, जीएस का पार्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको. एंड गाइज टुडे वी हैव क्लासेस 12:30 पर क्लास है. इन दिस बैच गाइज, इन दिस बैच यू विल गेट द live classes, video classes, live practice session, and the important part is that it will not a type of coaching, it will be a type of tuitions. हमारा पूरा मोटो ये है कि बच्चों को एक टाइप से ट्यूशन करवा दो, इतना फोकस करवा दो कि उनका एग्जाम काफी इजी हो जाए. ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज अ कूपन. कूपन होगा एसएससी आदित्य. आदित्य पता है ना कौन है? सो एसएससी आदित्य विल बी द कूपन. मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर. This will be the coupon code which you can use to get flat 10% off. 10% का आपको मिल जाएगा यहाँ पर off sir. 10% का off. तो इसको use कर लीजिएगा. 10% का आपको यहाँ पर off मिल जाएगा for SSC batch. SSC batch को join करने के लिए. आज मैं class लूँगा 12:30 p.m. पर. तो 12:30 p.m. पर ready रहिएगा वहाँ पर. चलिए, if the session was good, please like the session. Press the bell icon. So you guys are saying, sir, we are not getting the updates of class. You will get continuous updates of the class if you will press the bell icon. So press the bell icon to never miss any update. I'll meet you at 12:30 today. We'll discuss about the how to prepare for SSC CGL and what will be the important MCQs for SSC CGL 2019. We'll discuss about them at 12:30 today. Till that time, keep watching Oliveboard. Jai Hind.